हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स वायदेव के एक और फ्रेश वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेटेस्ट एक न्यूज़ के ऊपर है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, और मैं चाहता था ये न्यूज़ आप तक भी पहुंचा दूं। ये न्यूज़ कुछ ऐसी है कि हम सब में से बहुत से लोग आईफोन को तो यूज़ लेना चाहते ही हैं, एक अपनी जो लाइफ होती है उसमें एक एप्पल का फ़ोन तो यूज़ लेना सभी चाहते हैं, और कुछ लोग इसे यूज़ भी लेते हैं और कुछ लोग महंगे महंगे आईफोन एक्स 1 लाख रुपए के फ़ोन भी ख़रीद लेते हैं। तो 1 लाख रुपए का अगर कोई बंदा फ़ोन ख़रीदता है तो वो फ्यूचर सेफ्टी के हिसाब से मतलब एक साल तो कम से कम उसे चलाने के हिसाब से ख़रीद ही रहता है। पर अगर मैं आप सभी लोगों को ये बताऊं कि एप्पल जो है इंडिया में बैन होने वाला है विद इन 1 एंड 2 मंथ, 1 या 2 महीने के अंदर ही एप्पल इंडिया के अंदर बैन होने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है एप्पल इंडिया के अंदर हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए और आईफोन जितने भी अभी करंट में मार्केट में अवेलेबल है उन सभी को भी मतलब जो आपका आईफोन है 1 लाख रुपये का जो फ़ोन है वो मतलब एक पत्थर या फिर एक डब्बे के समान हो जाए, मतलब खाली पड़ा है, उसका आप कुछ यूज़ नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ एप्पल के साथ होने वाला है, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं क्या हुआ एप्पल के साथ, क्या हो गया ऐसा। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊँ एप्पल के साथ क्या हो गया। तो एप्पल की जो फाइट है अभी चल रही है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है ट्राई। ट्राई का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। ट्राई का जो नाम है TRAI, ट्राई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का जो कि जो आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन सब जितने BSNL इन सब ये सभी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है सब कुछ मतलब अपना जो नेटवर्क है वो एलोब्रेट करने के लिए। ट्राई ही वो एक ऐसा वेबसाइट कह दो या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो टेस्ट स्पीड टेस्ट वगैरह हमारे पास आते रहते हैं वो भी ट्राई करता है, जो कॉल ड्रॉप का टेस्ट है वो सब कुछ ट्राई ट्राई टेस्ट करता रहता है, किस टाइम पर कौन सी कंपनी सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, या फिर कौन से स्पैम केस हो रहे हैं इंडिया के अंदर वॉइस कॉल्स और के थ्रू, तो सब कुछ ट्राई ट्राई चेक करता रहता है। तो इस ये ट्राई है, ट्राई ने ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब एक अपना ऐप लॉन्च किया, ट्राई ने अपना एक ऐप लॉन्च किया जो कि था DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म था, और इसका भी एक 2.0 वर्जन अभी हाल ही में ट्राई ने लॉन्च कर दिया। तो ये वर्जन जब ट्राई ने लॉन्च किया तो ये सेम ट्राई ने एंड्रॉयड को दिखाया, एंड्रॉयड को जैसे ही ट्राई ने फॉर्मूला दिखाया तो इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा है, जितने भी हमारे पास स्पैम कॉल्स आते हैं, जो भी मतलब फर्जी फ़ोन आते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास फ़ोन आते हैं सर प्लॉट खरीद लो, दुकान खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, बाइक खरीद लो, मतलब एक बच्चे को इंस्टीट्यूट में डला दो, पैसे कम है, आपके कम पैसे लगेंगे, या फिर मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी भी कंपनी का कॉल आ जाता है हमारे पास, एयरटेल की सिम है तो वोडाफोन में चेंज करवा लो, ऐसे हमारे पास आए दिन कॉल आते रहते हैं, बैंक्स के कॉल आते हैं लोन ले लो ये सब कुछ वगैरह, और इन सब के लिए हम स्पैम कॉल्स को ऑफ करने के लिए कुछ पेड सर्विस को भी परचेज करते हैं, या फिर कोई हम फ्री सर्विस अलग अलग कंपनीज की ट्रू कॉलर वगैरह की फ्री सर्विस भी काम में रहते हैं। तो इसके लिए ट्राई ने मतलब जो इंडिया की इंडिया खुद का ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने खुद का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है DND 2.0। तो इस एप्लीकेशन को एंड्रॉयड ने तो सर्टिफिकेशन दे दिया और एंड्रॉयड ने अपने प्ले स्टोर में लगा भी लिया, क्योंकि एंड्रॉयड अब इजीली कोई भी एप्लीकेशन को लगा लेता है, गूगल ने इसे अप्रूव कर दिया। पर जैसे ही ट्राई ने अपने इस फॉर्मूले को एप्पल के सामने रखा तो एप्पल ने इस फॉर्मूले को यूज़ लेने से मनाही कर दिया, एप्पल ने कह दिया कि मतलब जब आप हमारे एक यूज़र की जो कॉल लॉग्स की इन्फॉर्मेशन है, मैसेज की इन्फॉर्मेशन है, चैट जितने भी आप अगर लोगे, तो इसलिए एप्पल ने मना कर दिया, और एप्पल ने एक ही बात कही, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ आवर नंबर वन प्रायोरिटी। तो ये एप्पल की बात भी, एप्पल भी अपने मुद्दे में एकदम सही है, एप्पल नहीं चाहता कि वो किसी भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो डिटेल है, कॉल डिटेल है, मैसेज डिटेल है, वो सब कुछ दे। पर एक तरीके से एप्पल सही भी और एक तरीके से एप्पल गलत भी है, क्योंकि ट्राई तो इंडिया का खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एप्पल को इंडिया में रहना होगा तो ट्राई को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो दोस्तों देखना अभी ये है कि क्या करना होगा, इन दोनों कंपनियों से किसी एक को तो आगे कॉम्प्रो करना ही पड़ेगा। इस सब के चक्कर में ट्राई ने कुछ अलग ही काम कर डाला, ट्राई ने आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इन सभी BSNL इन सभी को कह दिया कि आपके पास जितने भी आईफोन, एप्पल एप्पल के यूजर्स हैं, एप्पल डिवाइसेस जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को इंटरनेट जो नेटवर्क का कनेक्शन है वो सभी ऑफ कर दो। वो कनेक्शन ऑफ होने से मतलब कुछ पहले ही मतलब पूरी बात जैसे ही सेटल हो रही थी वैसा लगभग केस ऐसा पहुंच गया था कि कनेक्शन ऑफ ही होने वाला है, मतलब सब कुछ केस मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हो गया था, जैसे ही मतलब एप्पल ने केस फाइल कर दिया ट्राई के ऊपर। जैसे ही एप्पल ने केस फाइल किया ट्राई के ऊपर तो सारा ये सब कुछ काम एक बार के लिए रुक चुका है, पर ये काम वापस आगे मतलब बढ़ने वाला है, और हम सभी में वैसे मतलब जिस किसी के भी पास है हो सकता है
इंडिया में बंद ही हो जाए, वरना ऐसा भी हो सकता है एप्पल खुद ही जो मतलब है झुक जाए और एप्पल कह दे हाँ जी ये मतलब ये ऐप दे दो हमारे जो प्ले ऐप स्टोर है उसमें। पर एप्पल की ये मतलब पॉलिसी भी सही है कि हमारे मतलब जो कॉल इन्फॉर्मेशन है अगर हम किसी और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, तो फिर जैसे फेसबुक के डाटा लीक हुए, फेसबुक का हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वैसे लीक हुई, तो उसी तरह मतलब जो ट्राई के पास हमारी इन्फॉर्मेशन है अगर वो ट्राई के थ्रू लीक हो गई, क्योंकि मतलब ट्राई का अगर सर्किट सही नहीं हुआ, ट्राई का जो नेटवर्क है वो सही नहीं रहा और इन्फॉर्मेशन लीक हो गई हमारे यूज़र की, तो हम अपने यूज़र को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी देते हैं। तो इस सब के ऊपर अब देखते हैं, देखना ये है कि दोनों में से कौन सी कंपनी पहले कॉम्प्रो करती है और ये सब कुछ होता है। जो भी अगर दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। अभी तक जो लेटेस्ट न्यूज़ ये है वो यही है कि एप्पल बंद होने वाला है इंडिया में 1-2 महीने के अंदर, क्योंकि जो केस फाइल हुआ है वो ज़्यादा इसके 60-40% जीतने के चांस है। अगर ये केस ट्राई जीत गया तो इसके बाद में एप्पल तो बंद होना तय है। अगर ये केस एप्पल जीत गया तो उसके बाद कुछ और हो सकता है, एप्पल कॉम्प्रो करे, ट्राई कॉम्प्रो करे, पर अगर और 60% चांसेस ट्राई के जीतने का है, अगर ट्राई जीतता है केस को तो फिर एप्पल बंद हो जाएगा। तो आप सभी के जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके पास आईफोन है या फिर एप्पल के डिवाइसेज का यूज़ लेते हैं, तो उन सभी तक ये वीडियो शेयर कर दो, कि उनका जो फोन है वो किडनी बेच के बहुत ज़्यादा पैसे देके लेके आए हैं, तो वो एकदम रद्दी डब्बा होने वाला है। तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपके हाथ में, अगर एप्पल के फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दुखी ना हो, आपके लिए एप्पल ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा।